हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग विथ नीरज। गाइस, ये औरंगाबाद सीरीज के पार्ट 3 वीडियो है। लास्ट वीडियो में मैंने एलोरा कैप को एक्सप्लोर किया हूँ और एलोरा कैप को लगभग आधा मैंने एक्सप्लोर किया था। गाइस, जो मिडिल में है वो है कैप नंबर 16 और ये कैप जो है दो पार्ट में, लगभग एक साइड है 17 to 34 जो अधिकतर हिंदुज़्म का है और एक साइड है 15 to 1 जो कि अधिकतर जो कैप है वो बुद्धिज़्म का है और मिडिल में है कैप नंबर 16। तो मैं इस साइड में जा रहा हूँ इस बार, जो कि कैब नंबर 15 to 1 है। और तो आइए, अभी मैं फ़िलहाल कैब नंबर 14 पे हूँ। इसको रावण की खाई भी बोलते हैं। ट्वेल्व तक आई थिंक हिंदुज़्म की है और 12 के बाद बुद्धिज्म की है। यह है केव नंबर 12। फॉर दो फ्लोर है इसके ऊपर। ये है दोस्तों केव नंबर 11, जो कि सेम 12 की तरह है। ये आई थिंक बौद्ध धर्म से इंस्पायर्ड है। दोस्तों, ये जो केव देख रहे हो ये है, ये बौद्ध धर्म के लिए है और उधर था अपने हिंदू धर्म के लिए। तो अभी मैं हूँ केव नंबर 10 पे और ये देखिए एक मॉन्क भी बैठा हुआ है। बहुत सारे फॉरेनर हैं जो कि इधर आते हैं। ये देखिए एक सामने दिख रहा है एक फॉरेनर। और मतलब पहाड़ को काट कर एक मंजिल दो मंजिल कैब बनाना भी बहुत अपने आप में एक अद्भुत है। और इधर कुछ लिखा हुआ है, ये एलोरा कैब में एकमात्र दुई मंजिल कैब है और इधर स्कैनर है। आप इसको स्कैन करके यहाँ का इंफॉर्मेशन आप जान सकते हो। तभी मैं फ़िलहाल अंदर जा रहा हूँ और ये बाहर से तो काफ़ी औसम लग रहा है और अंदर देखते हैं। ये दुई मंजिल है ये, और अन्ना लोग भी आए हुए हैं देखो इधर सामने। वाओ, इसको देख के तो मुझे आवारापन का वो सीन याद आ रहा है इमरान हाशमी। ये देखिए काफ़ी औसम है। यार सामने बुद्धा का स्टैचू भी है। ये देखिए ऊपर का स्ट्रक्चर कितना औसम है। काफ़ी मज़ा आया देख कर। ये 9 केव नंबर 9 और ये देखो इधर से व्यू। भाई सब किधर आ गया नंबर 8। ये भी बौद्ध धर्म की ही ये सूत्रा और राहुल केव नंबर 7। ये है गाइज पास में ही, तो केव नंबर 7 है बंदे। मैं दिखा सकता हूँ आपको अंदर से। इधर 1 to 6 के लिए इधर जाना पड़ेगा। बस खत्म होने वाला है यार। अब ये केव नंबर 6 सब लॉक्ड है। अभी इधर से आया था अपन। ये था केव नंबर 6। ये देखो बुद्धम सर्किट खुला हुआ था तो अंदर से उठा लिया। ऐसा ही ये भी गेट है, सब बंद है, पता नहीं क्यों।
केव नंबर 5 सामने दिख रहा है। अब जा रहा हूँ गैप नंबर 4 पे जा रहा हूँ गाइस। ये केव नंबर 4 ओ भाई साहब ये 2 और वो 1 सेकंड पे चलते हैं अपन। अभी आओ तो टाइम निकाल कर आओ, काफ़ी टाइम लगता है इसको एक्सप्लोर करने में, बहुत है इधर देखने के लिए, आप सोच नहीं सकते हो, और एनर्जी भी चाहिए काफ़ी। ये देखो कैब नंबर 2 जब तक आओगे नहीं गाइस तो समझो कैसे। We have to explore all the things because this is the our Indian culture, our heritage. Nothing special in this cave number 1, but this is the last, and now यहाँ से देखो पानी है इसके अंदर। तो अब खत्म, अब आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा इधर से व्यू और फिर निकलता हूँ मैं। ये रहा गाइस, ये 2 पार्ट में है, एक 1 to 15 और फिर मेन है 16 जहाँ से आप एंट्री लेते हो, फिर उसके अपोजिट साइड में जाके मैं गया था 17 to 34। ये था अपना एलोरा की गुफा, मैं निकल रहा हूँ, आपको मैं 360 व्यू दिखा देता हूँ। गॉड ये देखो स्कूल के बच्चे जा रहे हैं। तो उधर से एंट्री होती है और इधर से एग्जिट। तो दोस्तों मैं अब निकल रहा हूँ इधर से, अभी मैं निकल चुका हूँ एलोरा से और अभी मैं जा रहा हूँ दौलताबाद, जो कि आप जब इधर से आप निकलोगे औरंगाबाद के लिए तो रास्ते में आपको मिलेगा वो फोर्ट। शाम को है बस, फिर मैं निकलूँगा पुणे।